सो हे गाइस, व्हाट इज अप, दिस इज मी गौरव एंड यू आर वाचिंग पोकेमॉन असेंबल। तो आज मैं तुम लोगों के लिए लेके आया हूँ सिंचैन, डोरेमॉन, पोकेमॉन और कुछ बाकी एनिमेस के डार्क और मिस्ट्रियस फैक्ट्स, जिनके बारे में तुम लोगों को पहले शायद ही पता होगा। तो इस वीडियो में तुम लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और ऐसे ऑसम वीडियोस के लिए वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन तुम तक पहुंच सके। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो हमारा पहला फैक्ट है सिंचैन से। तो मित्सी और हिरोशी का जो डेट था, पहला डेट, वो हुआ था एक पार्क में और वो लोग उस पार्क में शादी के बाद और शादी के पहले भी जाया करते थे, मतलब महीने में एक दो बार तो जाते ही थे। यहाँ तक कि सिंचैन और हिमावरी के होने के बाद भी वो लोग उस पार्क में जाते थे, मगर अब सिंचैन से इस कॉन्सेप्ट को मिस्टीरियसली हटा दिया गया है और वो क्यों, वो तो किसी को पता नहीं। तो अगला जो मिस्टीरियस एंड डार्क फैक्ट है वो है डोरेमोन से। तो एक एपिसोड में नोबिता डोरेमोन के पास से कुछ गैजेट्स चुरा लेता है और फिर उन गैजेट्स को लेके वो घर से भाग जाता है। और अगर तुमने ये एपिसोड देखा है तो तुम लोगों को पता होगा कि नोबिता क्यों भाग जाता है। और घर से भागने के बाद नोबिता एक डिजर्टेड आइलैंड यानी कि सुनसान आइलैंड में पहुंच जाता है, जहां पे पहुंचने के बाद वो घर जाने का रास्ता यानी कि घर वापस जाने का रास्ता भूल जाता है, जिसकी वजह से मजबूरन उसे उसी आइलैंड पे 10 साल बिताना पड़ता है। फिर 10 साल के बाद डोरेमोन उसे ढूंढ लेता है SOS सिग्नल की मदद से। और इसी एपिसोड पे एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री यानी कि एक बहुत ही बड़ा राज छुपा हुआ है। मुझे पता नहीं तुम लोगों ने नोटिस किया है या नहीं, मगर मैंने किया है। तो देखो, जो बच्चा यानी कि नोबिता छोटी छोटी चीजों से डर जाता है, यहाँ तक कि जियान और सुनियो के बनाए हुए घोस्ट से भी डर जाता है और इतना डर जाता है कि अपने पैंट पे ही पी कर लेता है, वो बच्चा एक सुनसान आइलैंड पे 10 साल अकेले कैसे बिता सकता है। और अगर तुम लोग इस चीज को दिमाग पे जोर लगा के सोचोगे तो ये चीज बहुत ही ज्यादा डार्क और मिस्ट्रियस हो जाएगी। तो क्या तुम लोगों ने कभी इस चीज को नोटिस किया है या नहीं, मुझे कमेंट्स में जरूर बता देना। तो अगला जो डार्क फैक्ट है वो है ओबोचामा कुन एनिमे से। तो कल मैंने तुम लोगों से पूछा था कि क्या तुम लोगों को ओबोचामा का कोई सुपर हीरो फॉर्म पता है, तो तुम में से 77% लोगों ने कहा कि हाँ हम लोगों को पता है। तो अब उस सुपर हीरो फॉर्म का डार्क सीक्रेट जान लो। तो ओबोचामा के इस रूप को तुम लोग कछुआ बॉय के नाम से जानते हो, मगर इसका रियल नेम है जेको कामेन। और ओबोचामा का ये फॉर्म कोई सुपर हीरो फॉर्म नहीं है, ओबोचामा का ये फॉर्म SS रैंक योकाई फॉर्म है। और अगर तुमने योकाई वॉच देखा होगा तो तुम लोगों को योकाई के बारे में पता होगा कि योकाई क्या चीज है। तो हमारा अगला जो फैक्ट है वो है परमैन से, मगर ये कोई एक्चुअल फैक्ट नहीं है, इसको तुम थ्योरी कह सकते हो। तो परमैन में तुम लोग बर्डमैन को तो जानते ही हो, जो बर्ड स्टार से आया है और जिसने मित्सुओ और बाकी सब लोगों को परमैन बनाया था। तो थ्योरी ये कहती है कि ये बर्डमैन जो है वो फ्यूचर से आया है डोरेमोन की तरह, यानी डोरेमोन जैसे 22nd सेंचुरी से आया है, बर्डमैन भी ठीक 22nd सेंचुरी से ही आया है और उसी ने बर्ड स्टार को क्रिएट किया है। और अभी थ्योरी की बात चली रही है तो मेरे पास एक और थ्योरी है जो कि है पोकेमोन से। तो पोकेमोन के बारे में तो तुम सभी को पता ही होगा और पोकेमोन में जो नर्स जॉय रहती है उनके बारे में भी तुम लोगों को पता होगा, मगर जो तुम लोगों को नहीं पता है वो है कि नर्स जॉय एक ह्यूमन नहीं है, वो एक पोकेमोन है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा थ्योरी कहती है। और क्यों कहती है इसको समझाने के लिए तुम लोगों को एक डिटेल वीडियो देखना पड़ेगा। तो अगला जो मिस्ट्रियस फैक्ट है वो भी पोकेमोन से ही है और ये फैक्ट बहुत ही ज्यादा मिस्ट्रियस है। तो पोकेमोन एनिमे में हमें एस के डैड के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला, वो मिस्ट्री अभी तक एक मिस्ट्री है। और इस मिस्ट्री को मैं एक मिस्ट्रियस फैक्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लगभग हर एक एनिमे में ऐसे मिस्ट्रियस रहते हैं और ये मिस्ट्री अब एक फैक्ट बन चुका है। जैसे डोरेमोन में सुनियो का डैड ऐसा कौन सा काम करता है जिसकी वजह से वो लोग इतने ज्यादा रिच है, और फिर सिंचैन में हमें बो के पेरेंट्स को कभी भी दिखाया नहीं गया। तो अगला जो डार्क मिस्ट्री है वो है डोरेमोन से। तो डोरेमोन के एक एपिसोड में जियान और सुनियो फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर लेते हैं। वो लोग उस एपिसोड में ये कहते हैं कि फ्यूचर में हमें स्कूल
या ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग मोबाइल से ही सब काम कर लेंगे, जैसे कि लेक्चर लेना और वर्क फ्रॉम होम ये सब काम। तो अगला जो मिस्ट्रेस फैक्ट है वो है सिंचैन से। तो रिसेंटली मुझे सिंचैन के एक एपिसोड का क्लिप मिला है, जिसमें सिंचैन के साथ सिंचैन की तरह दिखने वाला एक छोटा सा बच्चा है, जो कि कौन है ये किसी को पता नहीं। और इस क्लिप में सिंचैन और वो बच्चा बस मिस्सी का नाम लेता है और नाचते हैं और कुछ भी नहीं होता, जिसकी वजह से ये क्लिप मुझे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज कर देता है। और मुझे अभी तक ये पता नहीं चल रहा कि आखिर ये बच्चा है कौन, और मुझे इसका फुल एपिसोड भी नहीं मिल रहा। तो क्या ये सिंचैन का सीक्रेट भाई है या फिर कोई और? अगर तुम लोगों को पता हो तो मुझे कमेंट में जरूर बता देना। तो ये थे कुछ अननोन डार्क एंड मिस्ट्री फैक्ट्स अबाउट सिंचैन, डोरेमोन, पोकेमोन, परमैन एंड ओबोचामाको। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बता देना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।